ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਉਹਤੇ 3 ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉੱਤੇ 2 ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੇ ਉਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ बिल्कुल सही कह रहे हो धर्म की बिल्कुल नहीं लड़ने चाहिए पर कोई ऐसा प्रूफ तो नहीं होया ना कि जिस दिन प्रूफ होया तो उन्हें मारो ली उन्होंने बंदा के और मैं वही गल कर रहा हूं मोरल ग्राउंड बिल्कुल बिल्कुल। धर्म की सियासत विच दागी उम्मीदवारां नूं नैतिकता दा पाठ पढ़ा रहे यह श्रोमणी अकाली दल बादल दे उम्मीदवार हन। लाजपत नगर वार्ड नंबर 35 तो उम्मीदवार सरदार परमजीत सिंह भाटिया ए मानदे हन कि धर्म की सियासत विच ओह उम्मीदवार चोण लड़न दे हकदार नहीं जिन्हां ते मुकदमे मामले दर्ज हन। मनजीत सिंह जी की उत्ते 3 एफ आई आर ने जिहड़े जागो पार्टी तो हैगे ने ते मनजीत सिंह सिरसा उत्ते 2 एफ आई आर ने उसी करप्शन दे उसदे उत्ते ठीक है ना बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो बिल्कुल नहीं लड़ने चाहिए पर कोई ऐसा प्रूफ तो नहीं होया ना कि जिस दिन प्रूफ होया तो उन्हें मारो ली उन्होंने बंदा के और मैं वही गल कर रहा हूं मोरल ग्राउंड बिल्कुल बिल्कुल। की नैतिकता दा एह पैमाना DSGMC मुखी मनजिंदर सिंह सिरसा अते साबका प्रधान मनजीत सिंह जीके उपर लागू नहीं हुंदा। जीके साहब उपर 3 जदके सिरसा साहब उपर 2 FIR गुरु दी गोलक विच कथित धांधली दे मामलियां विच दर्ज हन पर दोवें चोण मैदान विच पंथ दा झंडा चुक्की विच रहे हन। श्रोमणी अकाली दल बादल दे इस उम्मीदवार नूं सवाल सीधा ते स्पष्ट सी अगों जवाब भी सीधा ते स्पष्ट आया कि धर्म दी सियासत जिन्हां दे मुकदमे दर्ज हन उन्हां उम्मीदवारां दा चोण लड़ना सही नहीं है पर लगातार अपने वल उठदियां उंगलां तों बेपरवाह कथित भ्रिष्टाचार अते गंभीर इल्जामां दे बावजूद उन्हां आगूआं दी नैतिकता आखर उन्हां नूं धार्मिक सियासत विच किस तरह खुल के विचरन दी इजाजत किवें दे रही है समझ तों बाहर है। हुण उसदी अगवाई विच श्रोमणी अकाली दल बादल 2 साल बेमिसाल दे दावे नाल मुड चोण मैदान विच है पर खुद अपना ही उम्मीदवार बिना सीधा नाम लै सिरसा साहब नूं नैतिकता दा पैमाना समझा रहा है। मनजीत सिंह जी की उत्ते 3 एफ आई आर ने जिहड़े जागो पार्टी तो हैगे ने ते मनजीत सिंह सिरसा उत्ते 2 एफ आई आर ने उसी करप्शन दे उसदे उत्ते ठीक है ना बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो बिल्कुल नहीं लड़ने चाहिए पर कोई ऐसा प्रूफ तो नहीं होया ना कि जिस दिन प्रूफ होया तो उन्हें मारो ली उन्होंने बंदा के और दलील मुकद्दस सिख संस्थावां दे अहुदे ते बैठे जां चोण लड़न वालियां ते जे भ्रिष्टाचार गबन घोटालियां वर्गे संगीन इल्जामां विच मुकदमे दर्ज होण तां उन्हां नूं चोण नहीं लड़नी चाहीदी ना ही नैतिक आधार ते ओह इस तरह दे अहुदे उपर रहण दे हकदार हन। ते उत्थे दे जिहड़े धार्मिक रिप्रेजेंटेटिव हैगे उन्हां ते इहदा दे करप्शन दे चार्ज लगणे तां नहीं लगदा जद तक ओह पाक साफ ना होण उन्हां नूं इलैक्शन नहीं लड़ने चाहीदे नैतिक तौर ते। बिल्कुल बिल्कुल सही गल जो तुसीं कह रहे हो बिल्कुल सही हैगा कि जद तक आप बंदे दा अंदरला काम सही ना होवे एवें इलैक्शन लड़ना चाहीदा ही नहीं हैगा क्योंकि सिख दा ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ 3 FIR ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ
नहीं लड़ना चाहिए बट हूं ओही है ना कि मैं पहले अपने ते संगीन इल्जाम ले ले फिर मैं जी मैं बाद जद बरी हो गया वा मगर इल्जाम तो आए सी ना थप्पा तो पिया सी ना छिट तो पई सी ना इसका मतलब बघेल सिंह वर्गे उच्च सिख आदर्शां नूं परनाए जरनैलां योधियां दे खुद नूं वारस कहाउण वालियां लई कि नैतिकता दा इही पैमाना है कि भ्रिष्टाचार गबन घुटालियां दे संगीन इल्जामां दे बावजूद कुर्सियां नाल चिंबड़े रहो कुर्सी दी गर्ज पिछे नैतिकता इन्हां लई कोई मायने नहीं रखदी। कदे लाल बहादुर शास्त्री वर्गे आगू ने रेल हादसे पिछों नैतिक जिम्मेवारी सौंप अपना अस्तीफा वगा मारिया सी ओह गल वख है कि मुल्क दी सियासत विच नैतिकता नहीं बची। सियासतदान मोटे चम दे हो चुके हन पर सियासत विचों धर्म दी सियासत विच विचर रहे पंथक कहाउंदे आगू उही पैमाने धर्म दी सियासत विच अपनाउण लगे हन जो सिख रवायत सिख परंपरा दे विरुद्ध हन बरखलाफ हन। जेकर तुहानू साडा इह उपराला चंगा लगा है तां इस नूं लाइक करो शेयर करो अते साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो।